श्री राम समर्थ अगस्त 28। आनंद से जो वंचित करती है वह माया है। वस्तु जैसी है वैसी दिखाई न देना, विपरीत दिखाई देना ही माया है। माया यानी वह जिसका अस्तित्व तो होता ही है, लेकिन अस्तित्व न हो तो भी काम रुकता नहीं। उदाहरण छाया का ही लीजिए, माया नश्वर है। वह जीती है और मरती भी है। हमें विषय से आनंद होता है, लेकिन वह आनंद भंग पाने वाला है। जो हमें आनंद से दूर करती है वह माया है। हमारा यह अनुभव है कि हमें विषय से अंत में दुख ही होता है। माया हमें विषय में लथड़ती है और विषय का आमिष दिखाकर तुरंत गायब हो जाती है। जो परिस्थिति है उसमें चैन न आने देना ही तो माया का असली लक्षण है। पैसा माया का अस्त्र है। माया का संक्षेप में वर्णन करना हो तो जो भगवान से हमें दूर करती है वह माया। भगवान की शक्ति जब उसे दूर रखने के लिए साधन बनती है तब वह हमारे लिए माया बनती है। और हम जब उसे आश्चर्य की दृष्टि से उसका तमाशा देखते हैं तब माया ही भगवान की लीला होती है। भगवान मेरा और मैं भगवान का हूँ ऐसा दृढ़ता से कहने पर माया पूरी तरह परास्त होती है। माया क्या अनर्थ करती है यह मालूम होते हुए भी जब उसका स्वीकार करते हैं तो क्या किया जाए। संसार का प्रवाह भगवान से विपरीत दिशा में है, हम उसके चंगुल में न आए। जो प्रवाह के साथ बहता है शायद वह चट्टान से टकराएगा, भंवर में पकड़ा जाएगा और बहता बहता कहाँ बह जाएगा उसका पता भी नहीं लगेगा। उस प्रवाह में हम मिले लेकिन प्रवाह पतित न हो, हम प्रवाह के विरुद्ध दिशा में तैरना जारी रखे, इसी को अनुसंधान टिकाना कहते हैं। जिसे भूत बाधा होती है उसे लगता है कि भूत हमेशा उसके पास है, वैसे ही हमें लगना चाहिए कि भगवान निरंतर हमारे पास है। लेकिन भूत बाधा डर के कारण होती है, उसके विपरीत हमें लगना चाहिए कि भगवान आधार के रूप में हमारे पास हैं। मन में बुरे विचार आते ही रहते हैं, लेकिन उन विचारों के अनुसार हम आचरण न करें, फिर बुरे विचार संकल्प विकल्प पैदा नहीं होंगे। सबको हम अपना कहते हैं किंतु भगवान ही को हम अपना नहीं कहते। इसका कारण है माया। लोगों का मुकदमा वकील अपना समझकर लड़ता है लेकिन उसके फैसले का सुख दुख नहीं मानता। वैसे ही गृहस्थी हम अपनी समझ कर करें लेकिन उसके सुख दुख के धनी न हो। मुकदमे का फैसला कुछ भी हो वकील को फीस उतनी ही मिलती है। वैसे ही गृहस्थी में प्रारब्ध के द्वारा निश्चित भोग भोगने ही पड़ते हैं। अपना कर्तव्य समझकर वकील जैसे मुकदमा लड़ता है उसी प्रकार कर्तव्य समझकर हम भी ईमानदारी से गृहस्थी करें, उसमें भगवान को न भूले, अनुसंधान कम न होने दे और कर्तव्य करने के बाद चिंता न करे, जिससे सुख दुख का असर हम पर नहीं होगा। यह जिसे सद गया उसे परमार्थ सद गया। आज का मुख्य विचार दुख की जड़ है हमने संसार को सत्य माना। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.